वो बातें, वो वादे जो किए गए थे आप लोगों से कि महंगाई जा रही है, नहीं बताया था आप लोगों को किसके घर में जा रही है, ये आप लोगों के घर में जा रही है ये बताया नहीं था आप लोगों को। कहा था आप लोगों से कि साहब अच्छे दिन आएंगे, आप लोगों को बताया नहीं गया था किसके लिए आएंगे, अडानी और अंबानी के आएंगे, ये था सच, ये था। और अब कहा गया है आपसे कि 400 पार, क्या नहीं बता रहे हैं ये। मुझसे लोगों ने कहा है, वो कांपते हाथों ने मुझ पर विश्वास जताया है कि आपसे उम्मीद है, आपसे आखिरी उम्मीद है, आप करोगे, वो उम्मीद हम पूरी करेंगे। वो झुग्गियाँ, उनका विकास होगा, उनके पक्के घर होंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, क्योंकि कहा है बहन जी ने, जो जमीन सरकारी है वो जमीन। कि बीएसपी की आपने टिकट ली है और बहन जी का आशीर्वाद मिला है और आज नामांकन भी आपने भर दिया है, इलेक्शन फाइट कर रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट आपके साथ है, क्या मुस्लिम वोट आपके साथ रहेगा? ये 101% मिले जी। तो अगर आप पिछले चुनाव भी देखिए, बहुजन समाज पार्टी से लड़े हैं जब जब मुस्लिम समाज से, तो बहुत अच्छी फाइट करी है और आप ये लगा लीजिए कि 50,000 वोट भी पड़ा है, और 28 भी पड़ा है, 24 भी पड़ा है, 10 भी पड़ा है, और अब तो हमारे बीच में ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडवोकेट हैं और समाज के लिए काम करेंगे। और प्लस दिल्ली के अंदर हमारे अंदर जो गुस्सा है ये है कि सेकुलर पार्टियों ने किसी भी मुसलमान को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर टिकट नहीं दिया। उसने बताया कि आक्रोश है, क्योंकि इन लोगों ने हमें दिया क्या, खाली वो एक कमल का फूल दिखा के कि तुम्हारे साथ ये हादसा हो जाएगा। अब वो वक्त चले गया, अब समझदारी है, अब D+M फैक्टर, दलित मुस्लिम फैक्टर काम करके दिखाएगा और हम कामयाब होंगे, जीतेंगे। ये 20 दिन तो अभी तैयारी के हैं, सिर्फ शोर मचाने के हैं जी। हमने ज़मीन पर तैयारी की है, बता दें आपको, आपने 5-6 लाख की बात की है, मुस्लिम वोट 5 लाख से ऊपर हैं जी, और 5 लाख के आसपास ही 23% वोट हैं SC ST के जी। इसके साथ हमारे साथ जो है OBC भी आ रहा है, OBC समाज भी हमारे साथ में आ रहा है, माइनॉरिटी समाज हमारे साथ में आ रहा है, सिख समाज हमारे साथ में आ रहा है, ये सब समाज मिलकर के इनको समझ में आ गया कि धोखा कहाँ हो रहा था इनके साथ में और कहाँ आपको संविधान बचाने के लिए कहाँ पर आपको आना पड़ेगा। अब्दुल कलाम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, दलित मुसलमान करो विचार, हम नहीं सहेंगे अत्याचार, बहुत हैं, अब्दुल कलाम जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, अब्दुल कलाम जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। चांदनी चौक, चांदनी चौक लोकसभा से एडवोकेट अब्दुल कलाम जी यहां पर हैं और उन्होंने आज नामांकन भरा है। जानना चाहूंगा, बहन जी का आशीर्वाद आपको मिला था और आज आपने पर्चा भी भर लिया है, पूरा सकुशल सब कुछ हो गया है, क्या क्या रणनीति है आगे की इलेक्शन जीतने की? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग गोदी मीडिया में से नहीं हैं जी, धन्यवाद। और आप लोग बिके हुए लोग नहीं हैं, वो लोग जो दिन रात एक ही पार्टी का गाना गाते रहते हैं, एक ही पार्टी के नारे लगाते रहते हैं, उन लोगों में से आप नहीं हैं। आप सत्य दिखाते हैं और आप ज़मीन स्तर पर काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे TV को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं और देखते हैं जो सच्चाई दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जी। क्या रणनीति है इलेक्शन जीतने की, क्योंकि अभी तक इलेक्शन जो है वो खाता नहीं खुला है दिल्ली में लोकसभा में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे बहन जी की नीति पर विश्वास है पूरी तरीके से। बहन जी ने बहुत सोच समझ करके इस सीट पर और दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर जो कैंडिडेट चुने हैं, बहुत सोच समझ के चुने हैं जी। और ये अब ये समझिएगा कि ये लोग कह रहे हैं, सारे TV पर कह रहे हैं, गोदी मीडिया पर कह रहे हैं कि टक्कर सिर्फ 2 की है, नहीं, टक्कर सिर्फ 1 की है, वो भी BSP की। अब निशान है हाथी और हाथी पर जबरदस्त मोहर लगेगी, बता देंगे आप जी। क्या लगता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो अब दिल्ली में नहीं पूरे भारत में खड़ी हुई हैं, वो गठबंधन से खड़ी हैं और बहन जी अकेले ही खड़ी हुई हैं, क्या लगता है पूरा दमखम है और पूरे दमखम से आएंगी भी? देखिए, ये हाथियों की पार्टी है, हाथी एक ही काफ़ी है कुछ चलने के लिए जी। दूसरी बात, जो गठबंधन आप देख रहे हैं ये वो हांडी है, धीरे धीरे इसमें छेद होने लगे हैं और आप देखेंगे कि ये फटनी शुरू हो जाएगी, ये फटेगी बुरी तरीके से फटेगी। लवली जी पहुंच गए ना, लवली जी पहुंच गए हैं, क्यों पहुंचे हैं?
सत्ता की वजह से पहुंचे हैं, सीट की वजह से पहुंचे हैं कि हमें नहीं मिली है, इस वजह से पहुंचे हैं, नाराज होकर पहुंचे हैं, ऐसे भी कोई भी कांग्रेस के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है जी। इसी वजह से इनके बीच फिर इधर उधर भाग रहे हैं और इसमें कुछ नहीं बचा है और पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज हैं लोग। हर्षवर्धन जी ने काम नहीं किया है, आप देख लेंगे कि यहाँ पर छोटी छोटी जो परेशानियाँ हैं अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर स्कूल यहाँ चल रहे हैं टीन के अंदर, दिल्ली राजधानी भारत की और वो भी चांदनी चौक जैसी जगह में, दिल्ली क्षेत्र भारत का राजधानी दिल्ली, दिल्ली का दिल चांदनी चौक जिसे कहते हैं, दिल्ली क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर चल रहे हैं स्कूल टीन के अंदर चल रहे हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल नहीं है जिसमें शादियाँ हो सकें, इस तरह की छोटी छोटी परेशानी, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपको बताया था मैंने कि वहाँ पर जमा मस्जिद पर 5G काम नहीं करता है, उसके आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में ATM नहीं है। ये विकास है, ये विकास है इन 10 दिनों का और ये 10 सालों का, और ये विकास है 70 सालों का, ये विकास चल रहा है क्योंकि लोगों से सिर्फ वोट लिए जाते हैं, चांदनी चौक से सिर्फ वोट इकट्ठे किए जाते हैं। यहाँ आप वोट लेकर के चांदनी चौक को क्या देना चाहते हैं? देखिए, मुझसे लोगों ने कहा है, वो कांपते हाथों ने मुझ पर विश्वास जताया है जी। कि आपसे उम्मीद है, आपसे आखिरी उम्मीद है, आप करोगे, वो उम्मीद हम पूरी करेंगे। वो झुग्गियाँ, उनका विकास होगा, उनके पक्के घर होंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, क्योंकि कहा है बहन जी ने, जो जमीन सरकारी है वो जमीन। कलाम साहब, दिल्ली की एक चीज और पूछना चाहूंगा कि BSP की आपने टिकट ली है और बहन जी का आशीर्वाद मिला है और आज नामांकन भी आपने भर दिया है, इलेक्शन फाइट कर रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट आपके साथ है, क्या मुस्लिम वोट आपके साथ रहेगा और रहेगा तो कितना रहेगा? अभी यहाँ पर मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं, खड़े जरा आगे आ जाइए, सच्चाई जमीनी स्तर पे आपको दिखा देते हैं जी, मालूम कीजिएगा कि क्या मुस्लिम समाज से वोट मिलेगा हमें। ये 101% मिले जी, कि अगर आप पिछले चुनाव भी देखिए, बहुजन समाज पार्टी से लड़े हैं जब मुस्लिम समाज से, तो बहुत अच्छी फाइट करिए और आप ये लगा लीजिए कि 50,000 वोट भी पड़ा है और 28 भी पड़ा है, 24 भी पड़ा है, 10 भी पड़ा है, और अब तो हमारे बीच में ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडवोकेट हैं और समाज के लिए काम करेंगे, और प्लस दिल्ली के अंदर हमारे अंदर जो गुस्सा है ये है कि सेकुलर पार्टियों ने किसी भी मुसलमान को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर टिकट नहीं दिया। मैं 10-20-50,000 वोटों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर कम से कम 5-6 लाख वोट चाहिए होंगे। क्या आपका समाज, दलित समाज तो बहन जी के साथ खड़ा है ज़्यादातर, आपका समाज खड़ा हो पाएगा अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पे या गठबंधन पे ना जाकर के BSP पे आता है तो आपके भाई जरूर जीत रहे हैं, ये बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल अभी सर ने बताया कि आक्रोश है, क्योंकि इन लोगों ने हमें दिया क्या, खाली वो एक कमल का फूल दिखा के कि तुम्हारे साथ ये हादसा हो जाएगा, अब वो वक्त चले गया, अब समझदारी है, अब D+M फैक्टर, दलित मुस्लिम फैक्टर काम करके दिखाएगा और हम कामयाब होंगे, जीतेंगे हम जी। बिल्कुल, कुछ ही दिन बचे हैं, अब उल्टी घड़ी की सुई जो है, यानी डेट जो है वो चेंज होती जा रही है, मुश्किल से मुश्किल 20 दिन बचे हैं अब, तो 20 दिन में क्या तैयारी ऐसी है जो आप जीतें? 2 साल से हम जमीन स्तर पर तैयारी कर रहे हैं पहले से जी, ये 20 दिन तो अभी तैयारी के हैं, सिर्फ शोर मचाने के हैं जी। हमने ज़मीन पर तैयारी की है, बता दें आपको, आपने 5-6 लाख की बात की है, मुस्लिम वोट 5 लाख से ऊपर हैं जी, और 5 लाख के आसपास ही 23% वोट हैं SC ST के जी। इसके साथ हमारे साथ जो है OBC भी आ रहा है, OBC समाज भी हमारे साथ में आ रहा है, माइनॉरिटी समाज हमारे साथ में आ रहा है, सिख समाज हमारे साथ में आ रहा है, ये सब समाज मिलकर के इनको समझ में आ गया कि धोखा कहाँ हो रहा था इनके साथ में और कहाँ आपको संविधान बचाने के लिए कहाँ पर आपको आना पड़ेगा। अभी आपके सामने एक सबूत दिया मैंने, आप उनको कैसे कन्वेंस करेंगे, 5 लाख हुए हैं और 5 लाख या 10 लाख वोट अगर आपको आ जाता है तो दिल्ली में ऐतिहासिक वोट हो जाएगी, रिकॉर्ड तोड़। सर ऐसा देखिए, ऐसा है, अभी आपके सामने एक सबूत दिया मैंने, सर एक आदमी से बात नहीं बनेगी ना, मैं अपनी बात की, एक आदमी से बात की, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर और भी लोग खड़े हुए हैं, मैं बात करा दूंगा आपको, मैं सबूत दे दूंगा आपको जी। और आपको दिल्ली 6 में आना पड़ेगा, चांदनी चौक में आना पड़ेगा, बल्ली मरान में आना पड़ेगा, कशापुरे में आना पड़ेगा, अगर आप वहाँ आते हैं मैं लोगों से ये कहलवा दूंगा सामने कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने धोखा दिया है, कैसे धोखा दिया है, किसने जहरीली हवा फैलाई है, किसने ये मौका दिया है, दोनों ही लोग हैं, एक
ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों चोर चोर मुसेरे भाई हैं। आपने देख लिया होगा, सब लोगों ने जानते हैं इस बात के लिए कि चुनाव इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो लिए गए हैं, किसने लिया? बीजेपी ने लिया, कांग्रेस ने लिया और टीएमसी ने लिया। क्या कहा गया? मोदी जी ने कहा कि जी हमने तो कम लिया है, मतलब हम कम चोर हैं, बाकी दो बड़े चोर हैं, यानी चोर चोर मुसेरे भाई हैं। और आपको बता दें कि रिकॉर्ड पर एक भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बीएसपी का नहीं है, हमारे लोगों की पैसे चलती है पार्टी जी, कोई भी उसमें धन्ना सेठ पैसा नहीं देता है। और सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिस तरीके से लिए गए हैं ये इलीगल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कौन से लिए जाते हैं? 7% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए जाते हैं, वो भी प्रॉफिट का। यहाँ 120% तक लिए गए हैं कुल कैपिटल का, यानी कि ये सब असंवैधानिक चल रहा था और अभी तक चल रहा है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं कि जो पुरानी संसद है वो संवैधानिक है। उन्होंने बता दिया कि असंवैधानिक क्या है, क्या असंवैधानिक कर रहे थे वो, क्या कहां कहां लूटपाट कर रहे थे, कोरोना में क्या लूटपाट की आप लोगों के साथ में, ये सब कुछ मालूम पड़ गया, जनता सब जान गई है जी। और यहां इतने लोग खड़े हुए हैं इसीलिए खड़े हुए हैं। आप अपनी जनता को वोट के लिए क्या वोट अपील करेंगे? आपको वोट डालने से पहले अपने घर से निकलते हुए अपने घर को देखना है, अपने बच्चों की एजुकेशन को देखना है, और देखना है अपने सिलेंडर को की तरफ देखना है, और सुनना है वो आवाज़ें जो आ रही थी उन बहन जी की जो चूड़ी खनका रही थी, कह रही थी सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, वो झूठे लोग, वो बातें, वो वादे जो किए गए थे आप लोगों से कि महंगाई जा रही है, नहीं बताया था आप लोगों को किसके घर में जा रही है, ये आप लोगों के घर में जा रही है, ये बताया नहीं था आप लोगों को। कहा था आप लोगों से कि साहब अच्छे दिन आएंगे, आप लोगों को बताया नहीं गया था किसके लिए आएंगे, अडानी और अंबानी के आएंगे, ये था सच, ये था। और अब कहा गया है आपसे कि 400 पार क्या नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 400 पार आपका जो पेट्रोल जा रहा है वो 400 पार जाएगा, खाने वाला तेल 400 पार जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे सामान हैं जिनके रेट 400 पार हो जाएंगे अगर ये सरकार बनती है तो। हालांकि ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, आपको सिर्फ निकलना है, आपको अनुशासन के तरीके से वोट डालना है, और जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है कि आपको संविधान को बचाना है, ये ध्यान रखना है। और आप लोग बाबा साहब को प्यार करने वाले लोग हैं, आप लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, अगर आप बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं तो आपको हाथी पर बटन दबाना है और बहन जी को जिताना है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना। बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि एडवोकेट अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने अभी एक बात कही कि 400 पार कोई चूड़ी खनका रहा था, किस तरीके से वो महंगाई जो 400 रुपए का जब सिलेंडर था आज 1000 रुपए के भी पार हो रहा है, पर वो महिला जो है स्मृति ईरानी, में नाम लूंगा डायरेक्ट, वो अब नहीं बोल रही हैं। दूसरा ये कि 400 पार जो पहुंचने वाला है वो पेट्रोल सर बता रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगाई हुई है, तुम्हारे घर में महंगाई आई है, अच्छे दिन हमारे आए हैं, पर अभी सर ने एक चीज़ और बताई कि जहरीली गैस जो है वो इन्होंने छोड़ दिया, अगर ऑक्सीजन का काम कर रही है तो वो कर रही है सिर्फ और सिर्फ बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है आपके सामने और आपके बीच में और आपकी चांदनी चौक लोकसभा में अब्दुल कलाम आज़ाद जी को यहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में आपको दिया गया है। हाथी पे वोट लगाने का इनका अपील है कि हाथी पे वोट लगाएंगे तो आपको जहरीली गैसों से या जहरीली दवाइयों से या जहरीली समाज की जो नीतियाँ हैं उससे दूर पहुँचा करके आपके एक ऑक्सीजन का काम करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद्र गौतम।